समान नागरिक संहिता के समर्थक इसे जरूरी बताते हुए कई दलीलें देते हैं, जिसमें एक बड़ी दलील जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाने के लिए समाज के हर वर्ग के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता भी है। जनसंख्या विस्फोट पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। हिंदुस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर का देश है। विश्व के 17.5% लोग भारत में रहते हैं, इसलिए देश के लिए यह गंभीर मामला है। रही बात यूपी की, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में आबादी में नंबर वन है। यही वजह है कि इस मुद्दे को सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। 2001 से 2011 के बीच पूरे देश की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार 17.7% की थी, तो यूपी में ये दर 20.2% की थी। यह अकेला आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। अगर यही रफ्तार रही तो न तो हर इंसान के लिए जरूरत भर की जमीन बचेगी, न पानी और न ही रोजी रोटी। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए हर सियासी दल की सोच अलग अलग है। भाजपा इसका रास्ता समान नागरिक संहिता को बताती है, लेकिन सपा जैसे दल इससे सहमत नहीं। कानूनों में संशोधन होते हैं, छोटे कानूनों में भी होते हैं। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया हुकूमत के 1500 कानून जो हमारे शोषण के प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक थे, अननेसेसरी थे, इररिलेवेंट थे, उनको मोदी जी ने ख़त्म किया है। सुझाव देना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो 1400 साल पहले बना है, इस्लाम का जो संविधान 1400 साल पहले बना है, और ऐसी दुनिया तक रहेगा संविधान। वो जो कानून हमारे यहाँ है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, निकाह करने का, इस तरह की कई चीज़ें हैं, अगर सरकार उसमें कहीं भी उसमें चेंजिंग करती है, तो मैं समझता हूँ कि धर्म के अंदर इंटरफेरेंस है, ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं होगा। यूपी देश के उन टॉप 10 राज्यों में शामिल है जिसकी जनसंख्या में इजाफे की दर 20% से ज्यादा की रही है। हालांकि इतनी ऊंची दर वाले टॉप 10 राज्य में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पर रहा है। 2011 की जनगणना के इस खास आंकड़े पर एक नज़र डालना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के इस दांव के पीछे सियासत की पुरानी लकीर का खाका देख रहे हैं, जिस पर पार्टी दोबारा तेजी से दौड़ लगाना चाहती है, इसके दम पर वो कह सके कि हमने जिन मुद्दों को अपने सियासत की धुरी बनाया था, वो एजेंडा पूरा होने को है। लेकिन जिस तरह की विषमताएं और जिस तरह का एक कहना चाहिए कि टकराव भारत में समुदायों के बीच में बना हुआ है, उसमें इसे कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बल्कि इसमें शरद पवार की टिप्पणी मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जिन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसा कहा है, परंतु उसका एक बार ड्राफ्ट बने, उसका मसौदा बने, और अगर हम देखते हैं कि किसी धर्म विशेष को वो टारगेट नहीं कर रही है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। भाजपा की तरफ से समान नागरिक संहिता की मांग और इस पर कदम बढ़ाने का सिलसिला पुराना है। पार्टी के कई सांसद प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए दो बच्चे से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी खत्म करने तक के कानूनी प्रावधान की मांग कर चुके हैं। अब तमाम विरोधी दल इन्हीं कड़ियों को जोड़कर भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो ये उस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, जो कि हमेशा हर सुधार के खिलाफ सांप्रदायिक वार करने की कोशिश करते रहे। भाजपा के विरोधियों को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आखिर क्या खतरा सता रहा है, इसे इन सवालों के जरिए समझिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून आने से भाजपा का वोट बैंक बढ़ जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून खास समुदाय या वर्ग को प्रभावित करेगा। समान नागरिक संहिता की आड़ में भाजपा ध्रुवीकरण का दांव चल रही है। चुनाव में इस कानून को लागू करने को बड़ी उपलब्धि बताने वाली है। जो जनता में भारतीय जनता पार्टी के जिन मुद्दों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवालों को धूमिल करने के लिए ये सब काम करेंगे। और वही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से भी है। जो विरोधी पक्ष के जो नेता हैं या जो मुस्लिम जो नेता हैं, उनका जो उनकी जो आपत्तियां हैं, वो वास्तव में वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख करके। एक तरफ सियासी हलके में इस मुद्दे पर शोर तेज है, तो दूसरी तरफ धार्मिक संगठनों के लोग भी मुखर हैं। हर तबके की अलग अलग राय है। हिंदू संगठन समान नागरिक संहिता को जरूरी बता रहे हैं, तो मुस्लिम संगठनों के कई रहनुमा इसके खिलाफत में उठ खड़े हुए हैं। अब अपने अपने सजेशन दीजिए। मैं लोकसभा में बहस है, चलिए फिर उसका राज्यसभा बताइए,
राज्यसभा में कैसे पास करेंगे आप? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसमें कॉमन सिविल कोड भी था, अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें? करना तो मुमकिन नहीं है, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते। सामान्य नागरिक संहिता के लिए सभी जितने भी देश में रहने वाले हों, चाहे जिस भी धर्म के हों, जिस भी व्यवसाय के हों, सभी को एक रूप में रहना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून एक संविधान होना चाहिए, ज़रूरी भी है। भारत धर्म निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष कानून भी होना चाहिए। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ विधि आयोग की तरफ से आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से की गई सुझाव की मांग। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर इन दोनों का खास महत्व रहने वाला है।